है, दो बच्चे को लेकर भाग गई, लोन का पैसा उठा के ले भाग गई, और जमीन बेचे थे, जेवरात था वो भी लेके चले गए, यानी 2,20,000 का उस संपत्ति यहाँ से लेके भागी है। मैं विकलांग हूँ, मैं घर से निकल नहीं पाता हूँ, इधर उधर अपना रिलेशन में पता किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। बीवी को तो हम रखेंगे नहीं, मेरे साथ धोखेबाजी करके चला गया, उसको रखने से फिर लाएंगे फिर भाग जाएगा, उससे फायदा क्या है उसको रखने से। दोनों बच्चे हमको चाहिए सर, बस। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, एक खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू के बरहट थाना क्षेत्र से। एक महिला है जो कि दो बच्चे के साथ जो है अपने पति को छोड़ के जो है वो फरार हो गई, और पति जो है वो दर दर की जो है ठोकर खा रहा है और उन्हें ढूंढ रहा है। और बरहट थाना में जो है ये पहुँचे थे आवेदन देने के लिए, और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनके पति हैं रामविलास जी। क्या मामला है जी? मामला है सर यही कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, दो बच्चे को लेकर भाग गई, लोन का पैसा उठा के ले भाग गई, और जमीन बेचे थे, जेवरात था वो भी लेके चले गए, यानी 2,20,000 का उस संपत्ति यहाँ से लेके भागी है। 2,20,000 की संपत्ति जैसा ये बता रहे हैं कि वो लेके इनकी पत्नी जो है वो फरार हो चुकी है। अच्छा, ये बताइए कब आपकी शादी हुई? शादी हुआ भाई 2009 में, 2009 में शादी हुआ। अच्छा, तो बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र है, एक बच्चे को 7 साल, एक बच्चे को 4 साल, एक का नाम है बादल कुमार और एक का आकाश कुमार। अच्छा, दोनों लड़का है? दोनों लड़का है। अच्छा, ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि जो है पत्नी नहीं है? पत्नी नहीं है, एक बार फोन हुआ था, बात हुआ था, एड्रेस हमको पता ही नहीं, बोले हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, बच्चे को भी नहीं देंगे। उसके बाद हम फिर कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है हम FIR दर्ज करवाते हैं थाने में, अपने थाना मतलब खोजेगी। अच्छा, कब से जो है भाग लापता है पत्नी आपकी? एक महीना तकरीबन, 21 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। एक महीना से लापता है, और इतना लेट से आप क्यों आवेदन दिए हैं थाना? सर मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, मैं विकलांग हूँ, मैं घर से निकल नहीं पाता हूँ, इधर उधर अपना रिलेशन में पता किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। तो आपके ससुराल वाले जो है उनको सूचना दिए इस बात का? वहाँ भी दे दिए लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता है, मेरे ससुराल में कोई नहीं है। कहाँ रहते हैं सब लोग? उसका बहन चंडीगढ़ में रहता है, एड्रेस नाम पता हमको जगह नहीं मालूम। अच्छा, तो जब पत्नी यहाँ से गई तो इसकी भनक जो है आपको पहले से थी या जाने के बाद जो है पता? ना ना, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कहीं नहीं हुआ था। उसका मन में पता नहीं क्या हुआ था कि बोला तुम्हारे साथ रहेंगे ही नहीं। अच्छा, तो क्या सब लेके गई है वो यहाँ से? वही तो बोले 50,000 जमीन का, 50,000 लोन, फिर 8 नग कान वाला बाली, 8 नग चैन, 8 नग भर, मतलब 2 लाख का रुपया वो रकम ले गई है। अच्छा, तो ये बताइए इतना रकम लेके गई और आप जब घर में मौजूद थे तो क्या आपको पता नहीं चला? वो तो बहाना बना के गई कि मैं अपना ननद के जा रहा हूँ, तबीयत खराब है देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं कल सुबह में आ जाऊँगा, फिर 1-2 दिन बाद गायब हो गई। हम बोले कि ठीक है चलो गई तो आएगी, आज नहीं कल आएबे करेगी, पता करने गई तो बोला यहाँ तो चला गया, फिर उस दिन से हमको पता नहीं कहाँ है ना। बात हुई है फोन पे? फोन पे एक दिन बात हुआ था, बोला तुमरे साथ हम नहीं रहेंगे, कुछ भी कर लो अब तुमरे साथ रहेंगे ही ना, बोले बच्चा दे दो, तो बोलो बच्चा भी नहीं तुमको देंगे, मेरा बच्चा है, कुछ नहीं बोला, फिर चुप हो गए। अच्छा, तो क्या लगता है कहाँ गई है, या कहीं कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था क्या? होगा तो चंडीगढ़ में ही होगा, अपने बहन के पास ही होगा, और कहीं तुमको शक नहीं बुझा रहा। तो अब आप क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, अब थाने वाले को ऊपर छोड़ दिए, कार्रवाई करेंगे, ढूंढना खोज करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बैठे हैं अब हम कहाँ खोजेंगे ढूंढेंगे, हम कहाँ जाएंगे, न मेरे पास पैसा है, न कथी है, कुछ नहीं है, बाप मेरा बुढ़ा है, उसको छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि आप पैसे से क्या करते हैं? पैसे से मजदूरी करते हैं, मतलब समोसा तमोसा बना के किसी तरह गुजर बसर करते हैं, और तो मैं कोदार धामा तो नहीं ढो सक पाएंगे, पैर तो मेरा आती है। अच्छा, जैसा ये बता रहे हैं, हालांकि ये पैर से विकलांग भी हैं और अपनी बात जो है वो रख रहे थे, बाकी आप जिला प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? क्या बोले, मेरा बच्चा ला के देते हैं और क्या, बीवी तो हम रखेंगे नहीं, मेरे साथ धोखेबाजी करके चला गया, उसको रखने से फिर लाएंगे फिर भाग जाएगा, उससे फायदा क्या है
उसको रखने से दोनों बच्चे उनको चाहिए सर बस। एक सवाल ऐसे में ये उठता है कि कहीं आप ही तो कुछ खेल नहीं कर दी हैं पत्नी के साथ? ना ना मर, हम क्या खेल करेंगे, गांव में जाकर पता कर सकते हैं सर, ऐसा थोड़ी है कि उतना घटिया काम नहीं कर सकते हैं, सीधा साधा इंसान है हम, उसका चिड़िया चरित्र हम नहीं पकड़ पाए कैसा है नहीं है, हम सीधा साधा कमाने खाने वाला आदमी थे, जो जो कहते गया वही करते गया, साला मेरे साथ धोखाबाजी कर दी। चलिए तो ये थे रामविलास जी जो कि बता रहे थे, बाकी हमने इस संदर्भ में अभी तक जो जानकारी ली है कि इन्होंने बरहट थाना में आवेदन दिया है और पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है, बाकी आगे क्या होता है वो अपडेट भी हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।